नाजरीन, आज हम चोखा बना रहे हैं। लिट्टी चोखा जो बनता है इंडिया में, चोखा इंडिया में भुरते को कहते हैं। ये एक अलग अंदाज का भुरता है। ये मैंने आज से पहले भी आपको भुरता बनाना सिखाया, मैं आपको एक नए अंदाज का भुरता बनाना सिखा रही हूँ। ये बैगन को तो हमने वो कर लिया है, रोस्ट कर लिया है ऑयल लगा के। और ये रहा लहसुन, ये देखें रोस्ट हो गया है, सारे छिलके वगैरह जल गए, ये बंद किया। और ये टमाटर और हरी मिर्चें यहाँ रोस्ट हो रही है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का भरता होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं आप और 3 आलू उबलने को चढ़ाए हैं। तो आलू बैगन का ये मिक्स भरता होता है, तो इन सबको हम छीलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके, बैगन को हमने छील लिया है। अब ये जो हरी मिर्चें हैं ये ऐसे ही डालेंगे उठा के। इन सबको ना चॉपराइज करेंगे, आलू को नहीं करेंगे। आलू को ऐसे थोड़ा सा दरबरा रहेगा, ये इसका छिलका उतार लिया। ये सारी जो ग्रीन चिलीज हैं ये रोस्ट हो गई हैं, ठीक है ना। टमाटोज भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं और लहसुन भी हो गया है तकरीबन। सब लहसुन को इसके ऊपर ज़रा गर्म पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर हो जाएगा। और ये मैं देसी मुर्गी यखनी बना रही हूँ, ठीक है। तो ये ज़रा सा हो जाता है ना, टमाटर नरम हो जाए, मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कुछ पक गए हैं इसमें और कुछ नहीं पके हैं। तो मैं इसीलिए उनको टर्न किए जा रही हूँ। तो ये हो जाए तो फिर हम इसकी स्किन उतारते हैं और इसको इसमें मैश करते हैं। एक दो इंग्रेडिएंट्स ही पड़ते हैं, बहुत मजे का बनता है ये। अब इस साइड पे आटा गूंद रहा है और इस साइड पे ये बैगन, हरी मिर्च, लहसुन और ये टमाटर, इनको चॉपराइज कर लेंगे। आप चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं मैशर से भी, लेकिन मैं चॉपराइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जरा सी भी कोई चीज मुंह में आ जाए ना तो फिर ये लोग बहुत पिन पिन करते हैं। इस वजह से मैं इसको मैश कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और कच्ची प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सरसों का तेल। हरी मिर्च डाल चुके हैं, हरा धनिया और सरसों का तेल। बस तो थोड़े से इंग्रेडिएंट है, पकता भी नहीं है, ऐसे ही बस ग्राइंड करके या चॉप करके या मैश करके आप खा लें, बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए हमने इसे चॉपर में डाल दिया, अब हम इसे चॉपराइस कर लेते हैं मोटा मोटा। बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे लेकिन मोटा भी नहीं रखेंगे। ये देखिए पोटैटोज हो गए, बस इस तरह एक दो हाथ करके ना, जो हमने ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही हम क्या डालेंगे, एक चम्मच नमक, जैसे मसाले अब पड़ने हैं। तो ये आप सरसों के तेल के बगैर भी खा सकते हैं, डाइट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि आपका खाना अच्छा खाने का दिल चाह रहा है और आप नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई फैट्स ऐड हो। आधी प्याज है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 चम्मच लेवल नमक, थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैं इससे ऑप्शनल है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जस्ट टू गिफ्ट कलर, ठीक है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। ये मिलाते हैं और उसके बाद इसमें हरा धनिया काट के डालते हैं और ये हमारा आलू बैगन का चोखा यानी आलू बैगन का भरता तैयार है। मिक्स करते हैं इसको, आपको दिखाते हैं। ये हरा धनिया भी इसमें मिला देंगे। तो देखें आप कितना आसान सा, बगैर चूल्हा जलाए ज्यादा कि एक दफा बस आपने काम करके हट गए। बिजी मॉम्स है उनके लिए तो बहुत ही आइडियल चीज है कि आपने बस उसको चीजें चूल्हे पर रखी जलाने के लिए और फिर आगे बना लिया। बार बार देखने की भी जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिलीव मी इट्स वेरी टेस्टी एज यूजुअल। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यम्मी। ये देखें जी, ये बैगन और आलू का चोखा बन के तैयार है भरता, बहुत मजे का बना है। मैंने तीनों चीजें इकट्ठा बनाई, बेसन का पराठा, बैगन, आलू का भरता और चटनी। लेकिन वीडियो अलग अलग अपलोड करूंगी, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।